नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स टाइगर में। मैं हूं आपके साथ अनुज कई। अब देखिए, भारत में क्रिकेट को एक रिलीजन की तरह माना जाता है, त्योहार की तरह हम सभी सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जिस खिलाड़ी की रही है, एक भगवान के तौर पर जिन्हें हम पूछते हैं, वो है सचिन तेंदुलकर। लेकिन इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ से सचिन तेंदुलकर को एक भगवान का दर्जा मिलने लग गया था, कौन सी वो पारी थी जब जो है सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने दोनों ने मिलके एक इतिहास रचा था। 24 फरवरी 1988 की वो तारीख थी, और उस मैच के चश्मदीद आप कह लीजिए, विटनेस आप कह लीजिए, वो हमारे साथ मौजूद है। मार्कस कूटो इनका नाम है। और सर, अगर आप तो शायद ये रिकॉर्ड के बारे में दुनिया को पता नहीं लगता, पहले तो आप अपने बारे में बताएं, और ये जो खास दिन है 24 फरवरी 1988, इसके बारे में भी जरूर हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताएं। हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। ये 23 फरवरी को एक्चुअली 1988 में मैच शुरू हुई थी, वो मुझे याद है, वो मंगलवार था, और रिकॉर्ड हुआ था अगले दिन, आप ठीक कह रहे हैं, 24 फरवरी। एज नॉर्मल मेरा भाई था रिकी कूटो, जो बाद में चल आगे जाके वन ऑफ द इंडियास यंगेस्ट अंपायर बन गया स्टेट पैनल पे, ही वॉज देयर इन दैट टीम। तो मैं उनको लेके गया एज यूजुअल खिलाने के लिए, सुबह छोड़ दिया, और जस्ट अबाउट 5 मिनट पे ब्रेबॉन स्टेडियम जिधर मैं काम कर रहा था उधर में चले गया उनको छोड़ने के बाद। इनका टॉस हो गया, इनकी बैटिंग आ गई, मैं बोला चलो अभी ड्यूटी पे जाते हैं, बाद में लंच में आते हैं। तो इसी तरह मैं गया, देखा कि लंच में जब आया तो इनके 2 विकेट ऑलरेडी जा चुके थे, और ये दोनों जन बल्लेबाजी कर रहे थे, सचिन और विनोद, और साइड में अमोल, थोड़ा सा अमोल मुजुमदार नॉक ले रहा था। ऐसे चलते चलते शाम हो गई, दोनों ही जन बैटिंग कर रहे हैं, अमोल दूर से जब मैं देखता था तो अमोल ग्राउंड के बाउंड्री लाइन के बाहर नॉक का उसका सिलसिला चालू ही था। ऐसे करते करते अगले दिन चालू हो गया। अगले दिन सर जब आधा घंटे के बाद उनके कोच थे लक्ष्मण चौहान नाम के, असिस्टेंट थे आचरेकर सर के, जो ग्राउंड में वहाँ थे ससानियन मैदान पे जो मैच हुआ था आजाद मैदान में, वो ग्राउंड के तरफ से चक्कर लगा रहे थे, बस हो गया अभी डिक्लेयर कर लो, बहुत रन्स हो गए, 500 हो गए, डिक्लेयर कर दो। तो जब वो बाउंड्री लाइन के एक जगह में रहते थे, ये दोनों जन दूसरी तरफ देखते थे, उसको देखते ही नहीं थे, वो चिल्लाता था तो भी वो लोग देखते नहीं थे। जाके वो सर ने उनको पकड़ा और बोला चलो बाजू में एक खाओ गली है जहाँ वो लोग अब 2-3 मिनट लगते हैं ससानियन ग्राउंड से, उधर जाके वो लोग ने पब्लिक कॉल से फोन किया वो लक्ष्मण सर ने, असिस्टेंट जो थे आचरेकर सर को, आचरेकर सर को, और इनको फोन हाथ में दिया पब्लिक कॉल का। आचरेकर बोला अभी तक उनको तो आप ये मार रहे हो, पागल हो गए क्या, अभी क्या अभी जाके डिक्लेयर करो। तो सचिन कहने लगा क्या नहीं अपना, तो विनोद से बात करो। तो विनोद बोला सर मेरे को 350 रन बनाने दो, 1 रन ही बाकी है, कुछ नहीं, 1 रन विकरण कुछ नहीं, तुरंत जाके डिक्लेरेशन कर दो। तो वो लोग वहां से जब चल रहे थे तो एक्चुअली ऐसा नॉर्मल इसमें 2-3 मिनट लगते है, इतना नजदीक है, मगर उस दिन कम से कम लोग इतना नीचे गर्दन डाल के, कम से कम ऐसा लगे क्या बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया है, 5 या 6 मिनट लगे उनको वहां पहुंचने के लिए। तो वहां आने के बाद में वो लोग ने डिक्लेरेशन किया, मैच चालू हो गई, अपना विनोद और सचिन मैच में, कांबली ने भी बॉलिंग डाला, थोड़ा 6 विकेट लिए थे। वो सामने वाला टीम सेंट जेवियर्स थी जिनका कैप्टन शहराज बहुतुले था, टीम वो भी बहुत पूरे ठक्के थे, और मैच खत्म हो गया। उसके बाद दूसरे दिन जब तीसरे दिन जब हम लोग देखा कि क्या ये रिकॉर्ड हो सकता है क्या, और उसी टाइम ना द क्रिकेट स्कोरर्स ऑफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया ऐसा एक एसोसिएशन नया ही आया था, 1 साल ही हुआ था, और मैं और मेरा दोस्त शिरीष कोनकर सोच रहे थे क्या ये रिकॉर्ड है क्या। तो हम लोग ने बहुत जगह, पहला तो कांगा लाइब्रेरी में जाके चेक किया क्या रिकॉर्ड है क्या, हमको उधर कोच मिला नहीं इस रिकॉर्ड के बारे में, स्कूल क्रिकेट के रिकॉर्ड सब था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट था, टेस्ट क्रिकेट था, ये रिकॉर्ड के बारे में कुछ था ही नहीं।
फिर देखा लिबर्टीज लाइब्रेरी इधर उधर, किधर ही मैंने मिला। मेरा अचानक हम लोग को मालूम पड़ा कि आनंद जी दोसा के पास रहेगा, जो उस टाइम के लीडिंग नंबर वन स्टैटिस्टिशियन थे इंडिया के, उनके पास भी नहीं था। फिर सुधीर वैद्य के पास गए, वो बोला नहीं ये रिकॉर्ड मैंने रखता है, मगर रिलायंस कंपनी है उधर चर्चगेट में, उधर जाके मोहनदास मेनन नाम का आदमी है, उनको पूछो आप। अच्छा। तो वहां गए हम लोग। हाँ, तो हम लोग को मालूम नहीं था कौन है मोहनदास मेनन वगैरह। बाद में मालूम पड़ा तो उसको मिलने के लिए तो बहुत बड़े पोस्ट पे थे वो, हमारा नंबर तो कुछ 20-22 हुआ था वेटिंग लिस्ट में, मगर हम लोग ने लिखा था रीजन फॉर मीटिंग क्रिकेट लिखा था। वो खुद बाहर आया और हम लोग को तुरंत अंदर लिया कैबिन में और बोला, देखने लगा तो 2 मिनट में उसने बता दिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा है रिकॉर्ड 641 रन्स का पैटर्न आवर निपॉन के बीच में हुआ था विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। और फिर हम लोग बोला चलो अभी कुछ करते हैं, अपना एसोसिएशन भी बनाए। तो हम लोग ने फिर कोशिश की कि चलो विजडन को लिखते हैं, पहला रिकॉर्ड है क्या नहीं। तो हम लोग ने विजडन को लिखने का एक स्कोर शीट भेजने का था उनको, गिनीज बुक को भेजने का था। तो मोहनदास को बोला हम लोग, मोहनदास ऐसे जब आ रही है, जब हमने स्कोर शीट देखा तो उसके ऊपर तो जगह ही नहीं था, सब ऊपर नीचे सब जगह में बच्चों लोग ने स्कोरिंग किया था, कम से कम 10-12 बच्चों लोग, स्कूल के बच्चे लोग थे, पूरा स्कोर कार्ड भरा हुआ था, जगह ही नहीं था, कॉलम ही नहीं थे। तो टैली करते करते हम लोग को फाइनली सचिन के 3 रन कम करने पड़े। वो अभी भी आज भी बोलता है मुझे तेरे को मेरे ही रन मिले गया 3 रन कम करने के लिए, 22 थे वाइट थे, मगर वो अभी यूके को भेजने का था तो टैली करके हम लोग ने भेज दिया। फिर 16 दिन के बाद में वो लोग ने डिक्लेयर किया विजडन ने क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वो लोग का वो अगला साल का बुक में ये लोग का छोटा सा 4-5 लाइन में लिखा था कि ऐसा ऐसा बच्चे लोग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। जी जी जी। तो ये कह सकते हैं कि आप लोगों को भी अगले दिन इसके बारे में पूरी चीज जो जानकारी मिली कि यार इतना बड़ा रन कर दिए हैं, 664 की पार्टनरशिप हो गई, तो कुछ तो बात होगी। तो फिर आप लोगों ने जिस तरीके से स्टैट्स वगैरह निकालने की कोशिश करी, तभी कभी दिमाग में आया था कि सचिन रमेश तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेटर बन जाएंगे, भारत के नंबर वन क्रिकेटर आप कह लो, वर्ल्ड के जब हम टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, सबसे ज्यादा रन उनके हैं, 100 शतकों के मालिक वो हैं। कभी उस वक्त उस मेमोरी के बारे में बताएं, कभी उस दिमाग में आपके चल रहा हो कि यार ये जो लड़का है ये इंडिया खेलेगा, क्योंकि नींव तो उन्होंने रख दी थी। मुझे मालूम था कि मेरा भाई था उसके क्लास में, तो एक मैच टेस्ट मैच इंडिया को खेलेगा इतना मेरे को गारंटी था, और विनोद कामली मुंबई को रणजी ट्रॉफी खेलेगा इतना टोटल गारंटी था मुझे। अभी वो अलग बात है क्या वो एक मैच से ज्यादा मतलब खेला है, उतना तो लगा था मुझे। क्यों ये पब्लिक को खाली ये मैच का मालूम है ना, उसके पहले उन्होंने जो रन किया है वो मालूम नहीं ना पब्लिक को उस सीजन में। उसके पहले उसने बाल मोहन के अगेंस्ट 159 किया था जी, 123 किया था, 156 किया था और एक मैच में, उसमें 4-5 उसके उसके पहले भी सेंट मैरिज के अगेंस्ट 150 फर्स्ट इनिंग में और 197 किया था, मतलब वो चालू ही था, रन बनाने का मशीन चालू था। खाली हम लोग को मालूम पड़ा चलो ये है, और हम लोग को अगले दिन नहीं मालूम पड़ा, हम लोग को नियरली एक महीना तक गया मालूम पड़ने के लिए क्या रिकॉर्ड है ये, इसको भी नहीं मालूम था जब वहां जब तक विजिटन को। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये भी है कि स्कोर शीट की जब बात हुई थी तो स्कोर शीट भी जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा बहुत पढ़ा, इसके बारे में रिसर्च करी, तो ये निकल गया है कि आई थिंक जहाँ पे वो स्कोर शीट पड़ी थी वो कमरा जो है जल गया था। आई थिंक इसके ये किस्सा जरूर बताएं क्या था एग्जैक्टली, और स्कोर शीट के लिए आज भी तरसते हैं आप लोग, एक ऑस्ट्रेलिया से भी एक एक इंसान आए इसके बारे में पता करने के लिए, कुछ पैसे भी वो दे रहे थे, स्पॉन्सरशिप की भी कुछ डील थी, उसके बारे में थोड़ा डीप में बताइए क्या एग्जैक्टली वो किस्सा रहा था। मेरा एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में एस रामामूर्ति, वो वर्ल्ड का नंबर वन कलेक्शंस में कलेक्शन है उसके पास क्रिकेट का, वो हर साल इंडिया में आता है कलेक्शंस लेके जाता है प्लेयर्स लोग से वगैरह में खरीद के लेके जाता है। मतलब तो अभी 20 साल पहले उन्होंने उनका पूरा कलेक्शन बेच दिया नियरली 500,000 रुपीज के लिए। तो वो उस टाइम उसने मेरे को ऑफर दिया था कि एक मेरे को दे दो, मैं पूरा स्कूल क्रिकेट का जितना खर्चा है मेरे को बोल दो, मैं पूरा खर्चा का जितना कॉस्ट होता है
उतना मैं आपको देने के लिए तैयार है। तो मैं उस स्कूल वाले लोग को बोला, देखो ऐसा ऐसा है, नहीं 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 हम लोग संभाल के रखेंगे। तो वो लोग ने ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो लोग ने मिसप्लेस किया। फिर बाद में पूछ रहा था तो बोल रहे थे नहीं हम लोग से जल गया इसमें। उसको वो लोग ने वैल्यू नहीं दिया उस स्कॉलरशिप को, जितना देना जरूरी था उतना। जी, तो उस वक्त शायद इतनी ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि क्रिकेट को लेके इतना सीरियस नहीं था वो स्कूल कह लो या फिर ओवरऑल जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे। बट उसके बाद हमने देखा कि सचिन जरूर भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान वो गए वहाँ डेब्यू होता है। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी कम उम्र में आप भारत खेलते हो और अपने सिटी वापस आते हो, मुंबई वापस आते हो, तो वो वेलकमिंग कैसा रहा था? क्योंकि आप लोगों के लिए तो जाहिर सी बात है कि वो एक एक बच्चे ही थे, जिस जिस तरीके से वो भर के आ रहे थे, व्यवहार कैसा था सचिन के साथ आपका, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि एक वक्त के बाद आप लोग भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट उनको देने लग गए थे, लेकिन फिर वो कहते थे नहीं यार आप तो मेरे को वैसे ही बातचीत करो जैसे पहले करते थे, जैसे नॉर्मली मेरे साथ रहते थे। वो यादें जरा ताजा करें। वो अभी भी आज भी देखेंगे तो है वैसा ही है। हम लोग ने जब लास्ट उसको मिला था बॉम्बे के ड्रेसिंग रूम में, उनका लास्ट मैच खेल रहा था वो मुंबई में, तो हम लोग जब जाके मिले तो सेम एटीट्यूड था उसको। हम लोग को लगा नहीं क्या ये फर्स्ट मैच खेल रहा है क्या, अभी इतना सालों के बाद मैं लास्ट मैच खेल रहा है, बच्चे लोग से वही उनका जो है नेचर सेम मेंटेन किया उन्होंने जी। और उसके बाद भी आके इससे अभी भी इसके लिए वो डाउन टू अर्थ वैसे ही है सेम जी। एक और चीज है कि शायद आपने ये चीज बताई है कि रिटायरमेंट जब से उन्होंने लिया है 2013 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद से वो और ज्यादा बिजी हो गए। इसको थोड़ा बताइए कि एक बार रिटायरमेंट लेने के बाद क्रिकेटर जो है घर पे टाइम स्पेंड करता है फैमिली के साथ, लेकिन ऐसा क्या हुआ है सचिन के साथ कि वो जब से रिटायरमेंट उन्होंने लिया है आपके हिसाब से और उनके कुछ दोस्तों के हिसाब से वो और ज्यादा बिजी रहने लग गए? ज्यादा करके फैमिली को टाइम देने लगा है आफ्टर रिटायरमेंट जी। और थोड़ा मुंबई इंडियंस के साथ थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है इधर उधर, मगर ज्यादा करके फैमिली को ज्यादा टाइम दे रहा है आजकल। हाँ, आई थिंक ये कुछ चीज आपने पहले भी आई थिंक एक एक जगह बताई थी कि जिस तरीके से रिटायरमेंट लेने के बाद कोचिंग में जरूर वो आए, मेंटोर के तौर पर मुंबई इंडियंस के साथ रहे, फैमिली के साथ जाहिर सी बात है कि उनको साथ निभाना है, वक्त निभाना है। लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं उनके करियर को, आपको कब लगता है कि जो एक डाउनफॉल हर एक इंसान के करियर में आता है, क्या वो लेट 90s का टाइम था जब ये कप्तानी से उनको हटा दिया गया और इस चीज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी मीडिया से पता लगी थी, उस वक्त क्या कुछ बातचीत आपकी होती थी? आई थिंक सन 2000 की बात है और मैच फिक्सिंग से पूरी टीम इंडिया जूझ रही थी और उसके बाद दादा सौरव गांगुली टीम के कप्तान बनते हैं, उस वक्त सचिन तेंदुलकर की आंखों में आंसू भी हमको नजर आए थे जब वो बाहर आ रहे थे एक मीटिंग से और वो कैप्चर किए गए थे उनके आंख में से आंसू। तो क्या लगता है कि उस वक्त सचिन तेंदुलकर का फ्रेम ऑफ माइंड क्या था? क्या आपकी उनसे कोई बातचीत होती थी, दोस्तों की बातचीत होती थी? होती थी, मगर ज्यादा करके उसका कॉन्सेंट्रेशन था अगला टूर के बारे में। उसको इतना इंजरीज हो रहा था, उसके अंदर ही उसका इंजरी से बाहर कैसा आना वो ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस था। 6-7-8 इंजरी थे उसके बदन में जी। तो कैसे भी करके कभी बाहर ऐसा होता है, जब वो इंजरी रहता था तो बहुत कोशिश कर रहा, डॉक्टर से मना करते थे कि नहीं अभी तो बैट को भी हाथ मत लगाना, जब एल्बो का इंजरी हुआ था तो कुछ 8 दिन के बाद में बॉम्बे नेट्स में दिखा, डॉक्टर ने बोला था उनको बैट तो पूरा किट बैट लेके आया था और उसको और बिना बैट से वो प्रैक्टिस कर रहा था जैसे ऐसे ही। तो मैंने क्यों, डॉक्टर ने बोला बैट को नहीं हाथ लगाना, मैं तो प्रैक्टिस तो कर सकता हूँ ऐसा जी। ये सब उसका वो अलग सब ये था उसका थियरी। तो ये हम कह सकते हैं उस वक्त की बात है जब ये पूरा सागा हो रहा था कप्तानी को लेके, उसके बाद भी आप ये कह सकते हो कि सचिन तेंदुलकर कहने के वो जो हंगर वो भूख की बात हम करते हैं वो उनमें थी कि यार भले ही मेरे को इतनी इंजरीज है लेकिन मैंने अपने परफॉर्मेंस को फॉर्म को बरकरार रखना कमबैक करना, तो ये भी एक बड़ी खास बात उनकी जरूर थी। किडबैक की आपने बात करी, सचिन के किडबैक को लेके भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, आई थिंक आप ही के भाई उस वक्त वहां मौजूद थे, किडबैक को लेके भी आपने कोई चीज बताई थी कि यहाँ पे कुछ 3-4 गुंडे भी वहां आ गए थे, ऐसा कुछ ऐसा किस्सा है उसके बारे में जरूर हमें बताइए। वो क्या था जो इंग्लैंड टूर पे गए थे फिर वो किडबैक लेके आए थे, ऐसा क्या उसमें जो है खास पाया था आप लोगों ने?
तो स्कूल में बोलते थे लोग, अरे तू किट मैच इतना बड़ा कैसा लेके आया, एक दिन लाओ हमको दिखानी है स्कूल में। तो एक दिन सचिन कई लोग पीछे पड़े थे, विनोद विनोद ने उनको चाबी लगाया, तो सचिन लेके ही आया स्कूल में पूरा किट बैग। लेके आने के बाद में फिर वो मेरे भाई को उसके अंदर डाल दिया और लेके पूरा क्लासरूम फ्लोर पे जरा घुमा दिया, देखो तरीकी क्या किट बैग में आ गया आ गया जी। तो स्कूल में तो बहुत ज्यादा मजा करते थे, बहुत एंजॉयड लाइफ इन स्कूल। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं वो जो एक सेलिब्रेशन था ये कह लो कि इतने बड़े टूर पे गए और इतना कुछ उस किट में था, तो वो पूरे स्कूल में चक्कर लगा के आप ये कह सकते हैं कि जो बच्चे थे उनको दिखाया कि भैया देखो सचिन तेंदुलकर जो है इंग्लैंड गए थे और वहां से इतना बड़ा किट बैग लेके आए हैं। दोनों बैटमैन से ऐसा क्या लगाव, ऐसा क्या प्यार आपको नजर आया सचिन के अंदर कि वो उनको काफी हद तक आइडलाइज करने लगे? और डोनल्ड बैडमिन का खुद का कहना है कि सचिन तेंदुलकर जो है आगे चल के इतने बड़े बड़े महानतम बल्लेबाज बनेंगे, तो कुछ मेमोरी है डोनल्ड बैडमिन के कुछ किस्से कुछ बताते हो? नहीं, वो कभी भी मेरे घर पे आता था तो एक थोड़ा सा एक 5 सेकंड का क्लिपिंग था मेरे पास डोनल्ड बैडमिन का, वो हमेशा देखता था और देख के बोलता अरे ये अलग ही है, ऊपर के लेवल का है उतना ही। और वो ये कम से कम 2-3 बार उन्होंने कहा एक ऐसे लगा, मेरे उस समय कुछ आई नहीं, खाली 5 सेकंड का है उसके अंदर, तो उसको जब भी से उनको रिस्पेक्ट देते हैं वो डोनल्ड बैडमिन सर, डोनल्ड बैडमिन को। जी जी, इसके अलावा भी अगर हम चलते हैं तो खाने को लेके बड़ा शौक आप कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर को रहा है, और वड़ा पाव से अभी कह सकते हो कि बड़ा लगाव उनको था, और आपने भी आई थिंक कई जगह मेंशन किया है कि बहुत कुछ उनको पसंद है, खाने में बड़े वो उस्ताद हैं। और उस वक्त की डाइट कैसी प्रकार थी, खाने पीने में उतने ही ज्यादा ध्यान देते थे इनिशियल डेज अपने जो करियर के रहे थे, या फिर संभल के डाइट सचिन तेंदुलकर उस वक्त किया करते थे? नहीं नहीं नहीं, खाने पीने में वो कमी नहीं करता था, बहुत खाते थे, भले लंच टाइम में इफ इवन 95 नॉट आउट है तो भी वो डाइट है उसका जो है बहुत खाता था, इधर बैटिंग करता था। मगर उसका एडवांटेज ये था कि अगर आप सुबह उनके घर पे या किधर जाओगे तो इतना वर्कआउट करता था ना, वो पूरा वर्कआउट में पूरा वो निकाल देता था, इतना स्किपिंग वगैरह वो करता था उस जमाने में, या हमको अपन को लगता था अरे पैर के नीचे पानी कहाँ से आ गया इतना। गेंदबाज बनने के लिए, फास्ट बॉलर बनने, और डेनिस लिली से जब उनकी मुलाकात हुई तो कहने के लिली ने बताया कि यार आप तो बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो उस वक्त आप लोगों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था उस चीज को समझाने में सचिन तेंदुलकर को, और सचिन ने क्या रिप्लाई किया था, रिवर्ट किया था आप लोगों की, यार जब मैं वहां गया तो मुझे तो बल्लेबाजी के लिए बोला जा रहा है, मुझे तो गेंदबाज बनना है, उस वक्त क्या बातचीत आप लोगों की? ज्यादा जन से पूछता ही नहीं था, अगर मगर ज्यादा जन बताते थे अरे ऐसा है वैसा है, मगर वो मैसेज उनका भाई के पास आता था, फिर भाई के पास प्लेस करता था, अगर भाई था तो ठीक है, नहीं तो सही सब लोग का सुनता था, हाँ करता था, जो लेना है वो भाई से क्रू से लेता था वो। जी, तो ये कह सकते हैं कि सुनते वो सबकी थे लेकिन करते अपनी ही थे, बट उसमें से एक अहम जो कंट्रीब्यूशन रहता था वो उनके भाई का रहता था कि वो जैसा कह देंगे वैसे कहीं ना कहीं जो है आगे चल के उनको करना है। 1994-95 का जो रणजी ट्रॉफी फाइनल रहा था उसके अंदर क्या रहा था, आई थिंक उसमें स्लेजिंग भी काफी सचिन की रही थी, बट वैसे तो नॉर्मली वो करते दिखते नहीं है नेशनल क्रिकेट में, जब भी वो खेलने आते थे एक ग्लेन मैकग्रा का किस्सा मुझे याद आता है, लेकिन उस वक्त हमने देखा कि स्लेजिंग जो है भर भर के सचिन तेंदुलकर ने करी थी, वो 94-95 का जो रणजी ट्रॉफी फाइनल रहा था उसके बारे में थोड़ा बताया। वो रणजी ट्रॉफी फाइनल का कैप्टन सिद्धू था जी, तो सिद्धू को पूछा था शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, क्या आपने प्लानिंग क्या है आपका, मैच के पहले पूछा था जी, तो फिर से उसने बोला ऐसे ऐसे प्लानिंग क्या है, तो एक रिपोर्टर ने पूछा था क्या सचिन के बारे में क्या प्लानिंग है, तो बोला सचिन के बारे में हमने बोला है टीम को उसको खेलने दो, बाकी के तरफ से दूसरे एंड से 10 विकेट निकालो उसको छोड़ दो, उसको मांगे उसके बारे में सोच तो मत जी। मतलब सिद्धू ने ये किया था, मतलब उसको उसका गेम खेलने था, और
जी हमारा कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वो जो पूरी टीम थी सामने, उनका प्लान ये था कि यार इन्हें स्लेजिंग नहीं करनी है, अगर हम करेंगे तो ये और हमको पूरे दिन भगाएंगे, विकेट के पीछे चौके छक्के के लिए जाएंगे, तो इसको आप खेलने दो, बाकी 10 खिलाड़ियों को जो आउट करने के लिए जाओ, ये हम कह सकते हैं। ये जूना वीक पॉइंट था उसका, एक रणजी ट्रॉफी था बड़ौदा अगेंस्ट मुंबई एट बड़ौदा, किरण मोरे लीडिंग कर रहा था और किरण मोरे ने बोला था, सेम बोला था, देखो इसको ये जो है इसको सोचने का ये प्लेयर है ही नहीं, इसको आके खेलने दो, जो मारता है मारने दो, कुछ करने का नहीं, चुपचाप नेट में बॉलिंग डालता है वैसा बॉलिंग डालने का और चुपचाप क्रिकेट खेलने का, बाकी का 10 गेंद को अपन दूसरा एंड से आउट लेने का, ऐसा हो गया। बॉम्बे का कुछ 2 विकेट डाउन हुआ, सचिन आया बैटिंग करने, एकदम स्लो बैटिंग कर रहा था कुछ, 25 बॉल में 30 या 40 रन थी थे, तो अचानक तो फिर वो एवरी इंटरवल को किरण मोरे पूरा टीम को जमा करता था, विकेट लेता था तो टीम को जमा करके बोलता था, देखो बराबर चल रहा है, इसको कुछ बोलो मत, अपना चलने दो। अचानक वो रशीद पटेल, जरा टेम्पर वाला आपको तो मालूम है आज बॉलर था, उसने एक बाउंसर डाला और सचिन बीट हुआ, बहुत बुरी तरह से बीट हो गया, तो किरण मोरे उसको जाके बहुत गाली दिया, ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो, बोले आपने मैच का वार्ड लगा दिया, अभी देखो कैको डाला ऐसा ऐसा। तो उसके बाद में सचिन ने जो चालू किया मारने का, 100 मारा, पूरा मैच ये हो गया, मतलब यू नो हारने पे आ गया वो। जी जेफ मार्श के साथ क्या किस्सा था, जहाँ पे आई थिंक उन्होंने आपको बोला था कि आप सचिन की बैटिंग की वीडियो भी रिकॉर्ड करें, और उस कन्वर्सेशन के बारे में बताइए जहाँ पे सचिन का करियर आप कह सकते हैं एक तरीके से बदल गया जब वो जेफ मार्श से मिले, और क्या था वो पूरा किस्सा, क्या था जहाँ पे मार्श ने आपको बोला कि यार आप इनकी बल्लेबाजी की वीडियो रिकॉर्ड करें, और आगे का सफर कैसे चेंज हुआ सचिन का, इसके बारे में बताइए। बॉम्बे में मैच था ब्रैबोर्न स्टेडियम में, मुंबई 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 11, तो मैं उधर काम कर रहा था सीसीआई में, तो जेफ मार्श आके बोला मुझे कोई वीडियो वाला मिलेगा क्या रिकॉर्डिंग करने का हम लोग को मैच का, तो मैं बोला वीडियो वाला मतलब कैसा, नहीं बोला सीधा एक दो कैमरा वाला जो शादी विदी में रहते हैं ना वैसा, तो ठीक है मैं बोला, अपना एक दोस्त है नेल्सन पटेल नाम था उनका, वैसा शादी विदी में ये करते थे, तो उनको बोला ऐसा ऐसा ऑर्डर है आप कल आ जाओ, तो रेडी हो गया आने के लिए, और फिर मैं रात को बोला अरे यार ये तो सचिन को बताना पड़ेगा, तो क्यों उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हो नेल्सन पटेल को जो फोटोग्राफर था, खाली आप है ना सचिन का ही हमको इनिंग्स मांगता है पूरा मैच में, सचिन का ग्रिप के ऊपर और बस उतना ही, उधर ही कैमरा रखो आप, बस दूसरा कुछ नहीं। तो मैं बोला अभी सचिन को बताओ क्या क्या करो, तो मैंने जस्ट शाम को बता दिया उनको, सचिन को सचिन ऐसा ऐसा है और अपना दोस्त है नेल्सन पटेल उसको मैंने बोला है, तो मार्श ने बोला है इसके लिए, तो सचिन बोला उनको जरा वीडियो एमटी वीडियो कैसेट जरा ज्यादा लेके आने बोलो। तो मैं अपने दोस्त को बोला हो नेल्सन को बोला अरे भाई शायद सचिन को भी कॉपी देना पड़ेगा आपको, तो जरा ज्यादा कैरी करो। बाद में मालूम पड़ा क्या सचिन का दिल में था क्या, बड़ा लंबी इनिंग खेलने वाला हूँ हम 200-200 मारेगा उसका दिल में ही था, इसको शॉट नहीं होना चाहिए वीडियो कैसेट का, इसलिए ज्यादा लेके आओ जी। और फिर उसके बाद वो वीडियो देखा उन्होंने, फिर मैं बोला ऐसा ऐसा है तो कुछ नहीं बोलता है, मैं वो ग्रिप में रखता ही नहीं है, मैं हर मैच में थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ चेंजेस करता हूँ, उनको स्टडी करने दो, उनको जो मांगता है उनका काम करने दो, मैं मेरा काम करूंगा। फिर उसके बाद वो मैच के बाद में उससे इंडिया में उनको बहुत रन किए उनके खिलाफ, बाद में उसके आगे के वो शारजा में भी उनको उनके खिलाफ बहुत रन के इतना रन के कि शेन वॉन बोलने लगा के मेरे को ये सपने में भी दिखता है। जी 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 जरूर, आई थिंक ये खास बात थी उस वक्त सचिन तेंदुलकर की, और जो आपने चीजें बताई हैं उस सफर की, आप खुद भी एक अंपायर रह चुके हैं, रिटायर्ड अंपायर अब जरूर आप बन गए, लेकिन उस वक्त क्या टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपने चीजें फेस करी, क्योंकि तभी तो हमने देखा है कि ना DRS होता था, ना कोई हॉकाय था, ना कोई इसमें कंप्यूटर है, लेकिन फिर भी अंपायरिंग करनी है। कई बार तो ये भी बोला जाता था, चाहे हम भारत पाकिस्तान के मैच की बात करें, अगर भारत पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए जो 12th मैन था वो उनके अंपायर थे, बाद में जाके न्यूट्रल अंपायर्स का जमाना आया, वो तमाम चीजें आई। आपने कितनी डिफिकल्टी उस वक्त फेस करी, अगर हम बात करते हैं आपके अंपायरिंग के सफर के बारे में? एज पर नया रूल अभी BCCI ने हम लोग को वापस बुलाया है एज बढ़ा के, तो अभी रिटायर्ड वर्ड आपको निकालना पड़ेगा मेरे
तो हम लोग हम जिस जमाने में अंपायरिंग कर रहे थे उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी बराबर, और टेक्नोलॉजी वॉज जस्ट कमिंग इन, आ रहा था. तो वी हैड टू गेट एडजस्टेड, यू नो, जो हम लोग ऐसे आउट देते थे नॉर्मली वो हम लोग को मालूम पड़ता था कि शाम को जब हम लोग देखते थे स्क्रीन के ऊपर या जो हमारा अंपायर कोच बताते ये तो गलती था. तो नेक्स्ट डे जाके फिर हम लोग को एज पर यू नो टेक्नोलॉजी के खिलाफ से इसे आउट सब ये करना पड़ा, एडजस्ट होना पड़ा. जी हाँ, आई थिंक जिस तरीके से आपने चीजें बताई हैं कि आगे बढ़ के जमाना आगे बढ़ता चला गया, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती चली गई, और अभी जो हम देखते हैं कि काफी ज्यादा माथापच्ची होती है अंपायर्स को लेके, अभी भी बड़ा डिबेट रहता है कि यार वैसे तो कहा जाता है कि अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी के आने के बाद से आपका आपको क्या लगता है कि गेम आसान हुआ है अंपायर्स के लिए कि और ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ गई है मेंटली? प्लेयर्स और पब्लिक बहुत खुश है बिकॉज जो अंपायर्स का जो मिस्टेक्स का ये था, नॉर्मल अंपायर 95-96% पे जा रहा था, तो आज आप देखेंगे बिकॉज ऑफ द DRS 98% 99% पे गया है. तो नेचुरली एवरीबॉडी इज हैप्पी, प्लेयर्स भी खुश है, अंपायर्स भी गलती होते हैं तो भी देव टेकन इज एज अ पार्ट ऑफ द गेम, कुछ इफेक्ट नहीं होता है. नहीं तो पहले स्टार्टिंग को शुरू हुआ था तो ऐसा लगा रहे यार ये सब बता रहा है पूरा दुनिया को कि अपनी गलती हो गई. पीपल पब्लिक ऑल्सो हैज टेकन इट नाउ इन द स्ट्राइक. अच्छा है, जितना जब भी टेक्नोलॉजी आती है ऑलवेज अच्छा ही होता है ह्यूमन बींग के लिए. जैसे भी डॉक्टर या साइंस में भी आप देखेंगे इस टेक्नोलॉजी का यूज होता है तो पेशेंट वगैरह जो होते हैं उनको बेनिफिट ही होता है, तो वाई नॉट इन क्रिकेट. अच्छा, सचिन के अलावा हरभजन सिंह के साथ भी आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जहाँ पे उन्होंने आपको जैकेट ऑफर करी थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं क्या था वो पूरा किस्सा. मैं मैच कर रहा था उनका दिल्ली में, दिसंबर के महीने में था और बहुत ज्यादा ठंडी थी, माइनस डिग्री था. तो हरभजन देख रहा था कि नो आई वाज शिवरिंग अ बिट इन स्पाइट ऑफ वेयरिंग ऑल दी, मेरे पास था स्वेटर था इट बोर्ड का सब. तो भी तो बोला क्या, अरे तो उन्होंने बोला अरे सर आप ये ज्यादा ठंड है ये ले लो जंपर ले लो ये बहुत वार्म है. तो उन्होंने वो जंपर मुझे दिया था पहनने के लिए, जो आई रियली इट वाज अ गुड वार्म थिंग फॉर द बॉडी. तो जो हरभजन सिंह इज नोन फॉर यू नो नॉट गुड टू द अंपायर्स बट फॉर मी ही वाज टोटली अ डिफरेंट पर्सन. जी, इसके अलावा ये भी बताएं कि अभी अर्जुन तेंदुलकर जरूर मुंबई इंडियंस ने उनको खरीदा वापस से 30 लाख रुपए में, और उनको कितना आपने करीब से देखा है क्योंकि वो भी आई थिंक वही प्रैक्टिस करने आते हैं जहां पे क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया जरूर आप वहां के बड़े हेड हैं, और जाहिर सी बात है कि एक फ्यूचर उनमें नजर आता है. सचिन के बेटे वो हैं तो किस हिसाब से देखते हैं? सचिन तो बल्लेबाज थे, अर्जुन तेंदुलकर गेंदबाज है, तो क्या उनमें वो नजर आता है वो पूरी काबिलियत वो पूरा पोटेंशियल जब आप सचिन को बचपन में खेलता हुआ देखते थे और अब अर्जुन तेंदुलकर को देखते हैं? पैशनेट तो बहुत है अर्जुन तेंदुलकर, सचिन से ज्यादा पैशनेट लगता है, जितना बहुत ज्यादा पैशनेट है. अभी टैलेंट वाइज तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा यार पब्लिक इसका यू नो कंपेयरिंग तेंदुलकर से, बट ही हैज टू लिव विद दैट वर्ड सरनेम के साथ उसको भी एक मुकाबला करना पड़ेगा, बहुत बड़ा मुकाबला है. सुनील गावस्कर और रोहन गावस्कर को भी मैंने देखा था मैचेस खेलते वक्त, पब्लिक आके उसके पूछते थे रोहन को अरे तुम क्या डैडी से क्या टिप्स लेते हो, पिताजी पढ़ाता है क्या नहीं तुमको, दुनिया तुम्हारा पिताजी का ऑटोग्राफ लेता है तुम किसका लेता है, इस सब रोहन का लिए गर्दन क्या करता है. बाद में ये फाइनली वेंट टू प्ले फॉर बंगाल, ऐसा भी इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा वो तेंदुलकर नाम से, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है. बॉम्बे को इस साल या नेक्स्ट ईयर अगला दो साल मुंबई को तो रणजी ट्रॉफी जरूर खेलेगा वो. जी जरूर. अच्छा, एक खेल जो है गेम जरूर खेला करते थे सचिन, ओपन को बैटिंग को, इसके बारे में बताएं, वो आपके साथ लगातार ही खेलते थे तो कौन कौन सी यादें कौन कौन सी मेमोरीज हैं, कितना मजा उनको इस खेल में आता था, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं क्योंकि बहुत कम लोग इस खेल के बारे में जानते हैं और सचिन को बड़ा मजा आता था इस खेल में, इसके बारे में जरूर बताएं. एक्चुअली वो ओपिंगो बैटिंगो जो खेल है ना वो मेरे भाई के साथ खेलते थे क्लास में, आई वाज टू सीनियर टू जूनियर मेरे साथ गेम खेलने के लिए. तो ऐसा गेम है कि जब आप खड़े रहते हो तो बोलना पड़ता है मैं खड़ा हूँ, और बैठेंगे तो बोलना पड़ता है मैं बैठा हूँ. अगर बीच वो दो इसमें बैठने और खड़ा रहे में अगर भूल गए आप
तो आपको वो लोग आके फाइट कर बॉक्स करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली यार तुम बोला नहीं है, तो थोड़ा लोकल गेम है बहुत खेलते थे, तो ये लोग बोलता था तो भी, मगर ये लोग वो मेरे भाई को भी कुछ ज्यादा, वो विनोद और वो सचिन दोनों मिलके बहाना ढूंढते थे मारने का, मजाक में मारते थे उनको। अच्छा, उस दौर में हमने देखा सर कि काफी क्रिकेटर्स जो है मुंबई के खेल गए भारत के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिकेटर्स थे, अगर मैं अमोल मजूमदार की बात करूं, बड़े जबरदस्त वो खिलाड़ी थे, रन उनके इतने ज्यादा थे, और आप ये कह सकते हैं कि एक अनफॉर्चुनेट उनके लिए चीज रही कि जो दौर जो एरा में वो रन बना रहे थे उस वक्त हमारी टीम में भर भर के बल्लेबाज थे, अब चाहे लक्ष्मण हो, गांगुली हो, सहवाग हो, सचिन हो, वसीम जाफर भी खेल गए, लेकिन मजूमदार जो है कभी भारत के लिए नहीं खेले। तो उस दौर में मुंबई जो क्रिकेट था पूरा, क्या लगता है आपको कि क्या बातचीत होती थी कि यार मजूमदार में इतना टैलेंट है लेकिन इंडिया नहीं खेला, ऐसे कई क्रिकेटर्स और थे, तो उस वक्त क्या लगता है आपको कि एक माइंडसेट खिलाड़ी का क्या रहा होगा? अभी तो चलो वो कोचिंग में आ गए लेकिन अभी पूरा दौर बदल चुका है, अभी आप आईपीएल में अच्छा करोगे तो आपको भारत खेलने का फटाफट मौका मिल जाता है, रणजी क्रिकेट में आपने सालों लगा दिए, हजारों रन बना दिए, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग जो है प्रायोरिटी पे उस चीज को लेते हैं, हर कोई आईपीएल की तरफ जाके हाँ जी इसने बड़े परफॉर्मेंस दिए इंडिया खिलाओ। उस दौर को अगर आप आज से कंपेयर करते हो, आप खुद में क्या चेंज पाते हो जो उस वक्त आपको शायद एक अलग फील देता था और आज एक अलग सिनारियो आपको नजर आता है, उसके बारे में बताएं। हाँ, जैसे आपने सब बताया ठीक ही बताया, ये तो बहुत सालों से चल रहा है ना और चलते रहेगा ना, कितना टैलेंटेड ऐसा प्लेयर्स है जिनको इंडिया के लिए नहीं मिला है, पैडी शिवलकर है, राजेंद्र सिंह हंस गोयल है, कितना जन है ऐसे, ठीक है रॉन्ग टाइम पे। मेरा ये कहना है कि जब आप स्कोर करते हैं उस टाइम सब एटमॉस्फेयर भी आपकी तरफ होना चाहिए, सिलेक्शन और राइट टाइम पे स्कोर, यू नो सब होएगा उसी टाइम पे, अगर आपने मारा बड़ा रन किया तो यू गेट अ लुक इन, अदरवाइज इफ यू आर बॉर्न एट द रॉन्ग टाइम ये सब चलते रहेगा। जी, किस्मतों की भी बातें हैं सर कि किस दौर में पैदा होते हैं वो भी बड़ा देखने वाली बात होती है। जाते जाते क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे जो कि अंपायरिंग के लिहाज से जो बड़े अंपायर्स हैं, जो अंपायर बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस, किस तरीके से वो इस चीज की पढ़ाई करें, क्या टेक्नोलॉजी के बारे में वो पढ़ें, प्रिपरेशन किस हिसाब से, वो ट्रेनिंग किस लिहाज से करें, ये स्पोर्ट्स चैनल के दर्शक जो भी बडिंग अंपायर्स बनना चाहते हैं, जबकि अंपायरिंग करना चाहते हैं और अभी ग्रूम हो रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस? हाँ, अंपायरिंग सीरियसली ले लो आप। पहला हम लोग के जमाने में ठीक था, पैशन था और हम लोग के किस्से से पैसे जाते थे मैचेस करने के लिए वगैरह। अभी तो नोबडी विल पे यू 30,000 रुपया पर डे अंपायरिंग अंडर 14 वुमेन्स, लड़की लोग का छोटा सा मैच है सौराष्ट्र वर्सेस गुजरात, you will be paid 30,000 money wise, you get a air travel, staying in a 5-star, is sab hai, to take it seriously, and if you are umpiring, concentrate on umpiring only, baki ka to apne aap sab aayega, don't worry, 2-4 saal pura mehnat kar lo, aa jao BCCI panel mein, and there is no limit for it. Ji haan, mehnat badi zabardast karni hai, अगर उस लेवल पे पहुंचना है, सोचाई पे पहुंचना है, तो मेहनत जो है बिल्कुल हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी जाके जो है वो दहलीज पे एक इंसान पहुंचता है। शुक्रिया सर इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि कुछ एक अलग यादें जो है ना वो आपने दे दी हैं, कैसे 664 रन की पार्टनरशिप हुई, क्या क्या स्ट्रगल उसके अंदर आप लोगों ने किया, उसके बाद कैसे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तमाम चीजें जान के समझ के आई होप हमारे दर्शकों को भी उतना ही मजा आया होगा जितना कि मुझे। एक नॉस्टैल्जिया में चले गए, हालांकि मैं पैदा नहीं हुआ था उस वक्त, मेरी पैदाइश 1996 की है, लेकिन मैं काफी हद तक रिलेट कर पा रहा हूँ जो जर्नी सचिन की रही और आपकी जर्नी एज एन अंपायर जो है, आई थिंक बहुत आगे जाए और इसी तरीके से आप भारत का नाम जो है जरूर रोशन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू, माय प्लेजर, माय प्लेजर।